आपसे एक बार फिर रूबरू हूँ। हम जो हमारे देश में आजकल कोरोना का एक वायरल चल रहा है, जिसकी वजह से तमाम मुल्क पूरी दुनिया परेशान है, मैं उसके बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा। कोरोना से बचने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। और जो आजकल हमारे देश में जो कोरोना को भी मुसलमान और हिंदुओं में बांट दिया, मैं ऐसी मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार अपने देश के ऊपर रहम करो, किसी चीज में तो हिंदू मुस्लिम मत वो मत करो, जो भी माहौल है उसको सही रखो, हमारे देश का जो माहौल है उसे खराब मत करो प्लीज। हमारे आज के आजकल के जो कुछ चैनल्स हैं वो बहुत ज्यादा हर चीज में सांप्रदायिकता फैला देते हैं, और जो एक बने बनाए माहौल को इस वक्त जो हमारे देश का माहौल चल रहा था, बहुत अच्छा माहौल, सब लोग मिलजुल के सब काम कर रहे थे, एक वो निजामुद्दीन का एक एरिया था, निजामुद्दीन के एक वो मरकज का मुद्दा उठता है, उस पर पूरे मीडिया जो है इस कोरोना को भी हिंदू मुस्लिम कर देती। मैं मीडिया से और जो मीडिया के जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऐसी देश के अंदर बीमारियों को हिंदू मुस्लिम ना करें, और जो हमारे देश में आजकल माहौल चल रहा है उसमें शाना बशाना सब लोग साथ हैं, साथ रहें, देश को आगे बढ़ाएं। मैं एक आजकल के जो आवाम जो खाने के लिए और पीने के लिए परेशान है, मैं उनसे कुछ बातें करूंगा। जो आजकल दिल्ली सरकार ने और सेंटर सरकार ने जो निकाली हैं स्कीमें, और जो यूपी सरकार, जो हर प्रदेश की सरकार अपने अपने एरिया में निकाल रही है, वो आवाम के लिए बहुत सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा खाना है, बहुत ज़्यादा लोग बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद भी लोग परेशान हैं। इसका बाइस ये है कि जो लोग भी हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमें हर जगह से खाना मिल जाए, तो मैं उन लोगों से जो एक जगह से ले रहे हैं और तीन चार जगहों से ले रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि सबके लिए खाना होना चाहिए, ना कि सिर्फ आप लोग अपने जिस गली में बट रहा है आप उस गलियों में भाग भाग के जा रहे हैं। एक पूरे अफरा तफरी मची हुई है, और झुग्गियों की औरतें निकली हुई हैं रोड के ऊपर, उन्हें पता चल जाए वहां बट रहा तो वहां जा रहे हैं, इधर बट रहा है इधर बट रहे हैं, सब जगह पर उन्होंने एक माहौल खराब कर रखा, और इसीलिए रोड पर पब्लिक भी ज्यादा है। तो मैं ये दिल्ली सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं और जो पुलिस इतनी मेहनत कर रही है कि बेचारी रात दिन लगी पड़ी है, कोई कहीं किसी को कुछ मार रही है, कहीं कुछ कर रही है, इसमें पुलिस की गलती नहीं है दोस्त, इसमें हमारी गलती। हमें यह सोचना चाहिए कि पुलिस हमारे लिए लगी हुई है, खुदा ना खास्ता अगर कोरोना ज्यादा फैल गया तो सबसे पहले पुलिस वाले मरेंगे बेचारे। बहुत से लोग गलत भी कर रहे हैं पुलिस वाले, मैं सबकी तारीफ नहीं कर रहा, मगर दिल्ली पुलिस जो इस वक्त जो भी काम कर रही है वो अच्छा कर रही है, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ पर कहीं कहीं जगह पे जो पुलिस गलत कर रही है, लोगों को मार रही है ज्यादा, जैसे ट्रकों में भर के जा रहे हैं उन्हें लोग मार रहे हैं, तो लोग परेशान है, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। इसे सोचना चाहिए तो सरकार को पहले कि हमें किस तरीके से करना है। देखिए, खाना पीना रहना ये सब एक बुनियादी हक है हर आदमी का, तो उनको जो है वो हक मिलना चाहिए। वो हक कौन देगा ये तय करेगी गवर्नमेंट करेगी। हम लोग जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो लोग जो दानिश्वर लोग हैं, वो लोग किस तरीके से वो किसकी हेल्प कर रहे हैं वो एक अलग बात है, मगर सरकार को सबका खाना सबका पीना और सबकी रहने की जगह, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को इस पर देखना चाहिए। ये टाइम कट जाएगा, अच्छे तरीके से कटेगा, मगर हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए हर तरीके से, और हमें अपने इंडिविजुअल अपने अपने कबीले में अपने अपने एरिया में ये देखना चाहिए कि हमें किस तरीके से हम गरीब आदमी को खड़ा करें। इसके लिए हमें कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से इसको करेंगे। आज भी बहुत से लोग परेशान हैं, मैं आपसे एक आदमी से मिलवाऊंगा जो बहुत परेशान है, उसको खाना के लिए राशन नहीं है, वो चार बार विधायक जी के पास जा चुका है, वहाँ से पर्चा मिल जाता है, चार पर्चे ला चुका है वो अपने पास से, मगर उसे अभी तक राशन नहीं मिला। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आस पड़ोस में देखें कि कोई भूखा ना सोए, और भूख और जो लोग जो लेने वाले लोग हैं वो ये सोचें कि एक ही जगह से लें, जगह जगह से ना लें, उससे जो लोग और खाना बनवा रहे हैं वो खाना खराब हो रहा, जब उनका खराब होगा अगले दिन वो नहीं बनवाएंगे, अगले दिन फिर वो आप उनके पास पहुंचेंगे तो वो कहाँ से देंगे। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, और जिससे लें एक जगह से लें ताकि वो आगे आपके लिए इंतजाम करके रखें। ये मैसेज तमाम लोगों में पहुंचाओ, और इस मैसेज को ही हम इसके ही फॉलो करके चलें। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। दोस्तों, मेरे पास कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो विधायक जी के पास भी जा रहे हैं, उनके जो लोग हैं वो पर्चिए दे दे के जा रहे हैं,
और उनको यहाँ पर राशन नहीं मिल रहा है। मेरे ऐसे ही मेरे साथ एक हमारे पड़ोसी हैं जो यहाँ पर पीछे रहते हैं, और वो गए थे वहाँ पे, उनको चार चार पर्चियाँ मिली हैं मगर अभी तक राशन नहीं मिला। मैं उनसे पूछूंगा कि आप बताइए कि आपको राशन, जब आप वहाँ पे गए तो विधायक जी के पास, वहाँ पे विधायक जी के जो लोग आपके पास थे उन्होंने आपसे क्या कहा? बोला कि अभी नहीं है, जाओ हम भेज दे रहे हैं, अब भेज दे। कितनी बार जा चुके हैं आप? चार बार हो गया। देखिए विधायक जी तो अपने हैंड पे तो काफी वो काम कर रहे हैं और उन्होंने जो है काफी सामान मंगाया है और वो बांट भी रहे हैं, धोबी घाट से लेके और उन्होंने इधर पूरे में सब में बांटा है, तो आपको क्यों नहीं मिला? मेरा आई नहीं कर रहा था, बोले गए हम भेज रहे हैं, भेजते हैं हम। तो आप उनके यहाँ गए नहीं कभी? हम गए ना, तो बोला कि हम भेज रहे हैं जाओ, तो अभी तक नहीं आया ना। कितने मतलब कई दिन से परेशान हो तुम? चार रोज हो गया। चार रोज यहाँ, इस पार भी ले गया वो भी नहीं आया, एक और गली में ले गया वो भी, चार पर्ची कुछ नहीं। तो चार पर्ची आ गए, तुम्हें सामान नहीं मिला? नहीं मिला, तो छोड़ दिया। तो आप जैसे और लोग भी हैं जिन्हें नहीं मिला या आसपास? सब के नहीं मिला, गली एक 13-4 में कुछ नहीं मिला अभी। तो कितने लोग हैं वहाँ पे ऐसे? 15-20 घर हो गए हैं, गली में। उसी गली को नहीं मिला या सबको? नहीं इधर नहीं, गली में नहीं भी आया, कलमों ने आया, इधर गली में आया ही नहीं अभी, नहीं आया। तो आप लोग क्या कहेंगे विधायक जी से? आप इसमें बताओगे विधायक जी, जो आपके जो लोग हैं वो यहाँ पे पर्ची दे के जा रहे हैं? छोड़ दिया, बोला नहीं जाने हम हैं, अब नहीं जाने। आप लोग नहीं जाओगे? नहीं जाने, जब मिलवे नहीं करते कहा जाएगा, वो बोला हम भेज रहे हैं और भेजते नहीं, नहीं भेजते, छोड़ दिया। चलिए।